लेकिन आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है, आप लोगों को पसंद आएगा। ये हेडर्स और फुटर्स के ऊपर है। हेडर्स और फुटर्स को हम लोग कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है। वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप नए हो मेरे चैनल में आए हो तो ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने से पहले ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि अगला जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको सबसे पहले मिलता रहे। शुरू करते हैं तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जैसे हेडर और फुटर जो है यूज़ होता है, कौन सा टूल्स वगैरह यूज करने से कैसे यूज़ होता है। ठीक है, उसी के साथ हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ये वीडियो में जुड़े रहिए, एंड तक बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया फील्ड होल्डर बना लिया है, कस्टम डाटा वैलिडेशन, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बनाया था ही है मेरे पास, लेकिन इसका जो अंडर का जो डाटा है वो सब अलग है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, बस दिखाने के लिए ये वाला मैंने बनाया है, इसको मैं भी बड़ा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 से 2 टैब बना लिया है, ऐसे स्प्रेडशीट का मतलब टैब बना लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये मुझे हेडर बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है लेकिन ये ओरिजिनल हेडर नहीं है। पहला जो स्टेप है हेडर फुटर का यूज करने का वो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। पहले आप क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट पे जाने के बाद आपको जो ये वाला ऑप्शन है, देखिए पेज सेटअप का जो ये टैब है, टैब के अंदर में जो ये सारा रिबन है, फिर यहाँ में जाएंगे। यहाँ में जाने के बाद आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये देखिए ये वाला इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे 3 नंबर वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप, जैसे कि हेडर एंड फुटर है, इसमें जाएंगे। ठीक है, हेडर हम लोग क्या रखेंगे, जो पेज 1 पेज 2 ऐसे करके क्या रखेंगे। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, उनको अभी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और कस्टम फुटर भी लगा सकते हैं। नीचे वाला जो है वो फुटर है, फुटर का है। ठीक है, तो हम लोग अपने हिसाब से डिफरेंस और पेज और इवन जो पेज रहेगा एक के बाद एक या फिर दोनों एक साथ दो दो छोड़ के ये सब कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस ये था हेडर फुटर नॉर्मली यूज करने का तरीका, जैसे मैंने निकाल लिया। और एक तरीका है इसको निकालने का, जो हेडर एंड फुटर वो कैसे निकालोगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को जाना है व्यू पे, ये व्यू पे चले जाएंगे। चले जाने के बाद जो ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा वर्कबुक व्यूज के अंदर में जो टैब है इसके अंदर में मिल जाएगा, तो पेज लेआउट बोल के जो है यहाँ में आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही जो आप हम लोग का हेडर है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने जो ये वाला सिलेक्ट कर लिया, अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया था तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। हम लोग का जो हेडर पहले वाला प्रोसेस में बनाया था वो वाला इधर पे आ गया। ठीक है, अभी मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, रुकिए नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए फुटर डालने का भी एक ऑप्शन यहाँ में आ गया। ठीक है, जैसे कि मैं अपना चैनल का नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये फुटर भी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो यहाँ से आप अपना जो प्रिंट का पेज होगा वो भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये बहुत ही सही है, वन ऑफ द बेस्ट इजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू मेक आउट हेडर एंड फुटर इज दिस वन। ओके, एक चीज देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके दिखाया था ये वाला में, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ में क्लिक करने से आपको यहाँ में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी ये वाला राइट साइड में मैं अपना जो फाइल का जो नेम है कस्टम डाटा वैलिडेशन XLSX, ये जो मेरा विथ फाइल टाइप एक्सटेंशन ये जो नेम है इसको मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। जस्ट उसके लिए क्या करना है, कुछ कीबोर्ड में टाइप करने करना है, यहाँ पे फाइल नेम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा, देखूंगा तो ये वाला ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाहर में क्लिक कर दिया तो मेरा जो ये वाला देखिए ऊपर में कस्टम डाटा वैलिडेशन XLSX जो मेरा फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप था वो वाला भी आ गया और इसके साथ नेम था वो भी आ गया। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे जाने, अभी जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ और मुझे चाहिए अभी करेंट टाइम, अभी जो समय है वो समय चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, उसके बाद ये जो ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये आ जाएगा। देखिए मेरा यहाँ नीचे में कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, सेम ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इजी मेथड है, वन ऑफ द बेस्ट, मैंने बोला ना वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस दिस हेडर एंड फुटर इज दिस वन इज मेड बाय एक्सेल इन बिल्ड विच इज़ वेरी अमेजिंग। मतलब ये ऑलरेडी मतलब प्रिंटेड सेटअप में होता है, आप यहाँ से एडजस्ट करके एक साइज पेपर में प्रिंट आउट दे सकते हो, कहीं मगजमारी करने का जरूरत नहीं है, फाइल में जाके लाइन की जो राइट में दो लेफ्ट में दो फिर ऊपर उठाओ ये सब करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो गाइस यहाँ पे खाली आप मैंने यहाँ पे डाला फाइल नेम और यहाँ पे जो करंट टाइम डाला वही आप नहीं डाल सकते हो, वो बाकी सारे यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ऐड करूँगा शीट नेम, ठीक है, मेरा जो ये शीट है T1 है, तो ये आते कि नहीं देखते, देखिए यहाँ पे आ गया T1। ठीक है, तो अभी मैं अगर
नीचे लाता हूँ, नीचे लाने के बाद फाइल नेम चाहिए मुझे, फाइल नेम के लिए मैं अभी बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे फाइल नेम आ गया, ऊपर जो मेरा सीट नेम है वो भी आ गया। यहाँ पे गाइस आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको पिक्चर्स में जाना है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर्स में जाना है। पिक्चर्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये एयरप्लेन ले लेता हूँ, तो व्यू वाल में गया मैं, उसके बाद ये वाला जो है ये वाला लूँगा, तो इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद देखिए पिक्चर ऐड हो गया, फिर अभी मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो ये पिक्चर पूरा जो है हम लोग का जो एंटायर प्रिंट देने वाला शीट है उसी में आ गया। हम लोग को कहाँ पे चाहिए, यहाँ में चाहिए, यहाँ पे जाना है, फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा फॉर्मेट पिक्चर, यहाँ में जाना है। यहाँ जाने के बाद आप ये जो हम लोग का परसेंटेज है क्या होगा, ये लेट्स सी, हाँ डिसमस इज एनफ, तो ये सही है, जब हम लोग प्रिंट देंगे ना तो ये सही है। आप मतलब यहाँ पे अगर आप लोगो अपना ऐड कर सकते हो, प्रिंट वाला ऑप्शन में जाके पेज एडजस्ट करने लगे ना, ये ओल्ड टेक्निक है, ये सब ओल्ड टेक्निक है, मतलब जब विंडोज़ एक्सपी वगैरह था तब विंडोज़ 7 निकला, फिर उसके बाद ऐसे करके जो निकलता गया तभी ये फॉर्मेट मतलब प्रोसेस है हम लोग ये यूज़ करते थे, अभी ये नया प्रोसेस आ गया यहाँ में। जैसे जैसे मतलब एक्सेल अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे नया नया चीज़ें ये आता रहेगा। ये और पहले भी था शायद, मुझे इतना पता नहीं, बट यूज़ नहीं किया होगा। वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिंट एनी पेज दैट इज दिस प्रोसेस। ओके, यहाँ से आप पेज भी एडजस्ट कर सकते हो। अभी हम लोग ये सीखे कैसे आप लोगो अपना डाल सकते हो, अपना वाला जो शीट है उसमें। अभी एक अलग कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ड में जाके अपना मतलब हेडर फुटर ऐड करके फिर प्रिंट देते, तो ये तो ओल्ड टेक्निक हो गया। आप सब जब एक्सेल में ही सारा काम कर सकते हो तो ये एक्सेल में ही करो, वो दूसरा में जाने का वर्ड्स में जाने का ज़रूरत ही नहीं है। कोई अगर फेस टाइपिंग है तो आप टाइप कर रहे हो, ज़्यादा पेज का है तो तभी आप वर्ड्स यूज़ करो, बिल बनाते हो तो एक्सेल में बनाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग फुटर में जाते हैं। फुटर में जाने के लिए स्क्रॉल करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करो आप, ठीक है, ठीक है, हेडर एंड फुटर में जब फिर गो टू फुटर में क्लिक कर दो, ये नीचे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, कोई माथापच्ची करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये शीट है, वो शीट नंबर कैसे आपको ऐड करने वो ध्यान से सीखिए, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये देखिए पेज नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, तो ये आप डाल दोगे पेज नंबर यहाँ पे, ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो अपन लोगों का ये करंट डेट है तो डेट भी लाएंगे यहाँ में, और उसके साथ करंट टाइम टाइम भी लाएंगे, तो हम लोग क्लिक कर देंगे ये डेट के साइड, मतलब टाइम भी आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सेपरेशन होना चाहिए डेट एंड टाइम बोल के। ये मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, ये देखिए ऊपर में डेट आ गया, नीचे में टाइम आ गया, तो ये सही है। ठीक है, कितना समय में हम लोग ये प्रिंट करे थे वगैरह ये आप कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों खास बात ये है, यहाँ में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे फुटर में जाएंगे, बहुत सारा पीसेट मिल जाएगा, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हो गया ये पेज नंबर हो गया, और ये अपना जो सीट है वो वाला हो गया, ये कॉन्फिडेंशियल, फिर 7 ये जो डेट हो गया, फिर पेज नंबर हो गया। तो मुझे अगर आप देखिए यहाँ पे मेरा नाम निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे नाम के साथ जिसने बनाया वो वाला लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि कौन सा कौन सा मतलब फाइल में था ये वाला डाटा, तो वो वाला आप लगा सकते हो उसका। ठीक है, ये वाला ऊपर में है तो ये वन ड्राइव वाला भी आ जाएगा आप अगर ऑनलाइन करते हो। ठीक है, तो ऊपर में मैं ले लेता हूँ, अभी मेरे को चाहिए ये कॉन्फिडेंशियल वाला, ये आप ऐसे करके आ जाएंगे, देखिए कॉन्फिडेंशियल, फिर उसके बाद ये डेट, फिर पेज नंबर। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे कुछ मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ, ये वाला कॉन्फिडेंशियल जो है ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ये वाला ऐसे चाहिए फॉर द ट्रेनिंग प्रपोज। ठीक है, फॉर द ट्रेनिंग, ओके, डेट मच इज ओके। फिर उसके बाद डेट आ गया हम लोग का, डेट तो चाहिए मुझे। ठीक है, फिर लेकिन यहाँ में मुझे एक चीज़ चाहिए, ये जो पेज है खाली पेज आ रहा है, पेज 1, 2, 3, 4 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तभी मैं इसको क्या करता हूँ, जो इतना भी मेरा टोटल पेज होगा वो ला जाएगा। ठीक है, ये स्लैश दीजिए, स्लैश देने के बाद इधर से फुटर में जाइए, फिर नंबर ऑफ पेजेस जो है यहाँ में क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिए। अभी मैंने जैसे कि एक ही पेज में मतलब वो बनाया है तो 1 by 1 ही आ रहा है। अगर आपका 10 पेज हो ये 10 आएगा और 1 आएगा, अगर आप पहला पेज में हो तो, सेकंड पेज में हो तो
वो 10 आएगा, ये 2 आएगा, ऐसे करके हो जाएगा ये, ठीक है। गाइस ऐसा नहीं है कि फोल्डर ट्रेनिंग और ये एक ही शीट में आएगा, ये नेक्स्ट शीट में भी आएगा। ये अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो नीचे देखिए ये वाला आ गया, ठीक है, तो ये नेक्स्ट शीट में भी आएगा। ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू जो है ऑप्शन जो यहाँ में है वो वाला में जाएंगे, कैसा दिखता है वो मैं देखूंगा अभी, ठीक है। तो गाइस अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, आप लोगों को छोटा करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो है हम लोग का ऐसे आ रहा है कुछ। अभी मैं ये वाला में सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हम लोग का जो एरोप्लेन था वो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ में मैं साइड में लेता हूँ, ये वाला प्लेन आ रहा है, ठीक है। जो जो लिखा था यहाँ में वही आ रहा है, मैं नीचे में ले लेता हूँ अभी। ये देखिए पेज नंबर आ रहा है, ठीक है। ये डेट भी आ रहा है और डर फॉर द ट्रेनिंग जो लिखा था वो वाला भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे ये जो T2 है, T2 मैंने यहाँ पर रखा है कुछ इंफॉर्मेशन डाटा है यहाँ में कुछ, तो ये T3 में भी है, T4 में भी है, ठीक है। तो ये इसको मैं अभी ये बॉर्डर कर लेता हूँ पहले, बस ये तीनों में ही है, बाकी मतलब में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, कई कबार क्या हो जाता है, एक ही हेडर और फुटर नेक्स्ट जो हम लोग का शीट है उसमें भी चाहिए होता है। तो आप वो कैसे आसानी से करोगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी, ठीक है। मेरे पास ये तीनों टैब में डाटा है, तो गाइस यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा हेडर फुटर कैसे यूज़ करूँगा। आपको क्या करना है, आपका पहला वाला जो है हम लोग ये बनाया था, हम लोग यहाँ में मैं आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट जो हम लोग का ये है इसमें ओके करना है, ठीक है। तो ये देख लेना है ये वाला सही है या नहीं है, ठीक है। देखने के बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, फिर बाकी जो मतलब है टैब उनको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे यहाँ जैसे 2, 3, 4 है उसमें डाटा है, उसमें मेरे को हेडर एंड फुटर चाहिए, अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है। मान लीजिए नहीं है, ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया था। तो अभी देखिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ये है ना, यहाँ में जो फुटर हेडर है यहाँ में सिलेक्ट किया मैंने, फिर उसके बाद बाहर क्लिक कर दिया। ये जो घूम रहा है आप देख रहे हो, ये वाला बाकी सारा जो शीट है, ठीक है, स्प्रेडशीट है उसमें भी अप्लाई हो गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे देख सकते हो, ये लोड जो ले रहा है ये बाकी सारा में भी अप्लाई हो रहा है। आपको अगर सारे टैब में चाहिए, अभी मेरे पास टोटल टैब है 6, तो 6 टैब में चाहिए तो 6 टैब में आप ऐसे सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं ये वाला में आते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी सिंगल टैब मैंने ये वाला पे आ गया, ठीक है, टैब 2 में आ गया, टैब 2 में या फिर टैब 3 में आ जाते हैं, टैब 4 में आ जाते हैं, सही रहेगा। टैब 4 में आके अभी मैं अगर प्रेस पेज प्रीव्यू करता हूँ तो हेडर और फुटर मुझे दिखाई देता है या नहीं देता है, ये देखिए आ गया मेरा डेट ऑफ हेडर एंड जो डाला था मैंने टाइम डाला था करंट टाइम वो वाला भी आ गया। नीचे लेता हूँ मैं, नीचे लेने के बाद जो मेरा परपोज था वर्कशीट का, तो ये फोटो ट्रेनिंग था तो ये वाला भी आ गया। उसी के साथ जो डेट मैंने डाला था वो भी आ गया, पेज नंबर भी डाल दिया, तो 4 पेज है, 4 पेज का मतलब ये 1 ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं ये वाला सी। तो गाइस मैं जैसे कि ये जो पेजेस था वो भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा हो रहा है तो हम लोग को दिखाई नहीं दिया होगा, आप लोगों को भी नहीं दिखा होगा, तो मेरे मतलब मैं छोटा कर देता हूँ इसको। छोटा करने के बाद देखिए अभी जो हम लोग का लोगो था वो आ रहा है कि नहीं, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी सीट में मैं जैसे कि लास्ट वाला टाइप में सिलेक्ट किया था तो वो उस पर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद देखिएगा ऊपर में, ये देखिए एरोप्लेन आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं ये आप लोगों को सिखा दिया आपको कैसे मतलब कॉपी करना है, ठीक है। एक वाला जो हेडर फुटर रहेगा उसको अगर आप नेक्स्ट टैब में चाहते हो तो ये कर सकते हो। जैसे कि हो गया, अभी मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास जो ये डाटा था इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये जो मेरा ब्लैंक शीट है यहाँ में मैं ले लेता हूँ, यहाँ में मैंने ले लिया ये वाला चीज़। तो ले लेने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरा हेडर फुटर कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके ये इसको भी सिलेक्ट कर दिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो आप ध्यान में रखिएगा, आपका जो शीट है वो पहला वाला में होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली जो आप हेडर फुटर यूज़ करते हो वहाँ में होना चाहिए। और टैब 1 में रख दिया मैंने, फिर डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट मैं अभी टैब 5 पे ये दिखेगा, रुकिए, ये मैंने डायरेक्टली टैब 5 में क्लिक किया, तो ये इसके साथ ऐड हो गया 5। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है हम लोगों ने डाला था ओरिजिनल हेडर एंड फुटर, इसको मैं वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये थोड़ा लोडिंग होगा तब पता चल जाएगा आपको ये कॉपी हो गया बोल के। नीचे का जो था हम लोग का
वो भी चाहिए हम लोगों को, तो इसका मैंने कर दिया यहाँ से। तो अभी मैं अगर टैब 5 में जाता हूँ, खाली टैब 5 में, ये देखिएगा आप, टैब 5 में जाता हूँ, तो अभी मैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू ले लेता हूँ, तो आता है कि नहीं देखिएगा। तो ये देखिए हम लोग का जो डाटा था ये आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग हेडर डाला था वो वाला भी आ गया वो करेंट डेट के साथ। तो अभी मैं लोगो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये लोगो भी देखिएगा आप, लोगो तो नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, क्या करना है ये वाला लाने के लिए, तो यहाँ में आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला तो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद एक चीज़ में ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो आपका जो यहाँ में मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट होने पर फिर एंटर दबा दूँगा, फिर आपका जो ये है ये नेक्स्ट वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं अगर इन पर्टिकुलर ही T5 में जाता हूँ, T4 में जाता हूँ या फिर T3 में जाता हूँ, तो अगर प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ या आते कि नहीं देखते। ये देखिए जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ये आ गया, ठीक है। आपको ऐसे ही लाना है। तो अभी मैं अगर T5 में जाता हूँ, T5 में जाके अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में अपना जो A4 साइज वो रहेगा वो आता है कि नहीं आप देखिएगा। ये देखिए आ गया, ठीक है। तो वैसे ही आपको करना है, सभी में आ जाएगा, ठीक है। अभी मसला ये हो गया, अभी हम लोगों ने ये हेडर एंड फुटर तो डाल दिया, तो आपको मान लीजिए किसी भी शीट में आपको हटाना है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब आप चाहते हो कि पूरा ही हट जाए, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अभी मैंने जैसे ये 5 का टैब लगाया था, तो 5 का टैब में मेरा एज यूजल ये आ रहा है, ठीक है, हेडर एंड फुटर। तो अभी मैं कैसे हटाऊंगा, एक बहुत ही आसान तरीका है, तो आप ये ध्यान से दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ओरिजिनल पेज थे यहाँ में जाने के बाद, यानी यहाँ पे आने से पहले आपको जो आपका जो हेडर एंड फुटर था उसमें सिलेक्ट कर लेना है। ये मेरा 5 टैब में था तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कंट्रोल प्रेस करके इसको मतलब करिएगा, ठीक है, होल्ड कर दीजिएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर पेज लेआउट पे जाना है आपको। फिर उसके बाद आपका जो ये पेज सेटअप वाला जो टैब है इसमें जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जो हेडर और फुटर का सेक्शन था ये देखिए हम लोग का कौन सा हेडर है, कौन सा फुटर है वो आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से ही हटा देना है। फिर जैसे हेडर में हेडर आने के पहले ऊपर में जाना है, फिर नॉन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में फुटर में भी क्या करना है, हटाने के लिए नॉन कर देना है। आपको अगर कुछ ओनली में चाहिए तो आप यहाँ से कुछ रख सकते हो, लेकिन हम अभी हटा रहे हैं। हटाते कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, कि अभी मैंने नॉन कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में अगर देखूँगा तो ये वाला चीज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए हम लोग का हेडर जो था वो ऊपर से हट गया है, ठीक है। डेट वेट कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। नीचे जब हम आते हैं नीचे में भी कुछ नहीं है। अभी मैं नेक्स्ट जो हम लोग का पेज है उसमें चला जाता हूँ। इसमें देखिए आप गौर से, ये जो हम लोग डाटा कॉपी किए थे यही शो कर रहे हैं। अभी मैं 3 नंबर पेज में जाता हूँ तो डाटा कॉपी किया था यही है। तो हम लोग अगर 4 नंबर पेज में भी जाते हैं तो हेडर एंड फुटर नहीं है, ठीक है। फुटर भी नहीं है नीचे, आप देख सकते हो, ये देखिए नहीं है। तो आगे अगर मैं 5 में जाता हूँ, 5 में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हेडर है क्या, हेडर नहीं है। तो नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद ये जो नीचे का फुटर है वो भी नहीं है, ठीक है, तो गायब हो गया। ऐसे ही आप मतलब सारा का जो हेडर एंड फुटर है वो हटा सकते हो। अभी यहाँ से भी हट गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही था हेडर एंड फुटर के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट पे बताना है। अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ मुझे आप एडवाइस देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा कुछ करूंगा इन माई वीडियोज, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, उसके साथ आप लोगों को शेयर करना है, देखना है, एज मच एज यू कैन शेयर कर सकते हो आप करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अपना फ्रेंड्स जिसको नहीं पता वो भी सीखे और आप भी सीखे, ठीक है। साथ में आप लोगों को और एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि अगला जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।